हेलो गाइस, वेलकम टू गीक अभिषेक यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मेरे पास एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 है और नोकिया का 5.1 प्लस है। और इस वीडियो में हम करने वाले हैं फुल इन डेप्थ कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स का। आपको बताऊंगा इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में, बिल्ड क्वालिटी से लेके कैमरा, डिस्प्ले, बैटरी, परफॉर्मेंस, तो सारा ही फुल इन डेप्थ कंपैरिजन ये होने वाला है। और कौन सा फ़ोन इन दोनों ही फ़ोन्स में से आपके लिए बेटर हो सकता है, किन सिचुएशंस में, तो इन दोनों ही फ़ोन्स के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं इन दोनों फोन्स की प्राइसिंग की। तो गाइस, दोनों ही फोन्स आपको फ्लिपकार्ट पे एक्सक्लूसिवली मिल जाते हैं। दोनों ही फोन्स के 3GB 32GB के बेस वेरिएंट की प्राइस आपको 11,000 रुपये मिल जाएगी, जो कि आप एक्सक्लूसिवली फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हैं। तो प्राइस दोनों की सिमिलर है, 32GB 3GB की रैम के साथ दोनों ही फोन्स ही आते हैं। उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं बिल्ड एंड डिज़ाइन की। तो गाइस, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एसुस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 से। तो एसुस का जो ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 है वो मेटल बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है। बैक में आपको जो मेटल मिलता है, और अगर आप अपने फोन्स को ज्यादा रफली यूज करते हैं या फिर आप गिराते रहते हैं अपने फोन्स को, या एक मेटल बिल्ड क्वालिटी वाला आपको फोन चाहिए, तो आपके लिए ज़ेनफोन मैक्स प्रो एक बेटर चॉइस हो सकती है। बट ये दिखने में एक ऑर्डिनरी सा लगता है, क्योंकि सारी फोन्स इस प्राइस रेंज में आपको मेटल बॉडी के साथ आते हैं, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। और गाइस, अगर बात करें नोकिया 5.1 प्लस की बिल्ड क्वालिटी की, तो यहाँ पे आपको एक ग्लास वाला डिज़ाइन देखने को मिलता है। आगे पीछे ग्लास है और साइड से जो फ्रेम मिलता है वो आपको पॉलीकार्बोनेट या फिर प्लास्टिक का मिलता है, तो ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम लगता है। 11,000 रुपये का तो फ़ोन कहीं से भी ये नहीं लगता है। लुक वाइज गाइस, इस प्राइस का सबसे बेस्ट लुकिंग स्मार्टफोन आप इस फ़ोन को बोल सकते हो। अब यहाँ पर ग्लास है तो डेफिनेटली यहाँ पर फिंगरप्रिंट मैगनेट है, तो फिंगरप्रिंट के निशान बहुत ही आसानी से आ जाएंगे और स्क्रैचेज आ सकते हैं, और गिरने पर डेफिनेटली फ़ोन टूट सकता है, तो इस पे आपको केस वगैरह लगा के रखना पड़ेगा। बट केस लगाओगे तो ब्यूटी इसकी छुप जाएगी, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट अगर आपको एक ड्यूरेबल फ़ोन चाहिए तो डेफिनेटली एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो मेटल बॉडी के साथ आता है, वो ज़्यादा ड्यूरेबल है एज़ कम्पेयर टू ग्लास, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है बिल्ड क्वालिटी के मामले में। अब यहाँ पर बात करते हैं डिस्प्ले की, तो स्टार्ट करते हैं एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 से। तो यहाँ पर आपको एक 5.99 इंचज़ की एक फुल HD+ वाली डिस्प्ले मिलती है, जो कि 2.5D ग्लास से कवर्ड है। बट यहाँ पर आपको सैडली कोई कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन नहीं दी गई है। डिस्प्ले की बात करें तो 18:9 की डिस्प्ले है, बट डिस्प्ले क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, बहुत ही शार्प डिस्प्ले आपको दिया गया है एसुस की तरफ से। डिस्प्ले को लेकर आपको कोई भी यहां पर शिकायत नहीं आएगी। व्यूइंग एंगल्स वगैरह बहुत ही कमाल के हैं, आउटडोर विजिबिलिटी भी बहुत कमाल की है इस डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले वाइज कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी एसुस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 में। मैं काफी टाइम से इस फोन को यूज कर रहा हूं, ऑलमोस्ट 5 से 6 महीने मेरे पास इस फोन को हो चुके हैं। अब यहां पर बात कर लेते हैं नोकिया के 5.1 प्लस की, तो यहां पर आपको एक 5.8 इंच का HD+ डिस्प्ले मिलता है, जो कि एक नॉच के साथ आता है। टॉप पे नॉच आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहां पे नॉच तो है, बट इस डिस्प्ले का रेजोल्यूशन HD+ आपको देखने को मिलता है, और बॉटम पे आपको एक चिन मिलता है जिस पे नोकिया की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाएगी। गाइस, 720p डिस्प्ले तो है, HD+ रेजोल्यूशन, बट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्ले है। विंग एंगल्स वगैरह बहुत ही कमाल के हैं, आउटडोर विजिबिलिटी भी इस डिस्प्ले की काफी अच्छी है। डिस्प्ले क्वालिटी की बात करें तो ओवरऑल एक बहुत ही कमाल का डिस्प्ले आपको नोकिया 5.1 प्लस में भी देखने को मिल जाता है। बट ओवरऑल अगर मैं बताऊं डिस्प्ले क्वालिटी की बात, तो डेफिनेटली एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की डिस्प्ले आपको डेफिनेटली शार्पर मिलती है, और क्वालिटी वाइज डेफिनेटली बेटर है एसुस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की डिस्प्ले। तो यहां पर आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। अगर आपको एक कॉम्पैक्ट डिस्प्ले वाला फोन चाहिए तो आपके लिए नोकिया 5.1 प्लस एकदम बेस्ट डिस्प्ले वाला फोन है। अगर बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो एसुस का ज़ेनफोन मैक्स प्रो आपके लिए बेटर यहां पर हो सकता है। अब यहां पर बात कर लेते हैं रैम और स्टोरेज की, तो दोनों ही फोन में 3GB की रैम मिलती है, 32GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है। दोनों ही फोन में माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिल जाएगा। बट बात करें यहाँ पर एसुस के ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 की, तो यहाँ पे डुअल सिम प्लस SD कार्ड का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। मतलब आप 3 स्लॉट आपको यहाँ पर मिलते हैं डेडिकेटेड स्लॉट्स, तो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हो, 2 सिम भी लगा सकते हो, तो ये काफ़ी अच्छी बात आपको मिल जाती है मैक्स प्रो में। वहीं बात करें नोकिया 5.1 प्लस की, तो यहाँ पर आपको डुअल सिम हाइब्रिड मिलता है, यानी कि आप 1 सिम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं या फिर 2 सिम लगा सकते हैं विदाउट मेमोरी कार्ड, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। दोनों ही फोन्स यहाँ पे डुअल 4G वोल्टी को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि प्रोसेसर भी सपोर्टेड है, तो ये काफ़ी अच्छी बात दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे दोनों ही फोन्स के प्रोसेसर की, तो सबसे पहले मैक्स प्रो की बात करते हैं, तो इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर देखने को मिलता है, एड्रिनो का 509 GPU आपको देखने को मिलता है। तो गेमिंग परफॉर्मेंस वाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें तो स्नैपड्रैगन 636 बहुत ही कमाल का चिपसेट है, रेडमी नोट 5 प्रो और बहुत सारे डिवाइसेज में आपको इस प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा। तो परफॉर्मेंस वाइज कोई भी इशू मुझे यहाँ पर नहीं आया है 5 महीने की यूजेज में। PUBG वगैरह भी अच्छी तरीके से चलती है, एसवॉल्ट 8, एसवॉल्ट 9 वगैरह, कोई परफॉर्मेंस इशू
इशू आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा और बहुत ही कमाल की बैटरी लाइफ के साथ और ओवरऑल परफॉर्मेंस इस फ़ोन की बहुत ही कमाल की है, तो कोई भी इशू आपको नहीं आएगा। डे टू डे लाइफ में भी बहुत ही फ्लूइड ये स्मार्टफोन चलता है स्टॉक एंड्रॉयड के साथ, तो कोई इशू नहीं है। बात करें यहाँ पे नोकिया 5.1 प्लस की, तो यहाँ पर आपको मीडियाटेक का हीलियो P60 प्रोसेसर दिया गया है, जो ऑन पेपर तो स्नैपड्रैगन 636 से डेफिनेटली फास्टर है और यहाँ पर ये इक्वल है स्नैपड्रैगन 660 के, बट रियल लाइफ यूजेस की बात करें तो डेफिनेटली इसमें भी आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। मैंने इसमें गेम्स वगैरह खेली है, पबजी एसवॉल 9 वगैरह, तो इसमें कोई इशू नहीं आया है, बहुत ही ईजिली ये प्ले कर देता है सारी गेम्स को। बट अगर हम बात करें गेमिंग की, तो डेफिनेटली Asus ZenFone Max Pro में Adreno का 519 GPU है, तो GPU वाइज Asus ZenFone Max Pro यहाँ पे बेटर हो जाता है Mali के GPU से, जो कि आपको Helio P60 के साथ मिलता है। बट जनरल डे टू डे परफॉर्मेंस में आप कुछ भी नोटिस नहीं करोगे, दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, दोनों ही स्टॉक एंड्रॉइड पर रन करते हैं, तो कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ अगर आप बेंचमार्क पे देखते हो तो इतना ज़्यादा डिफरेंस मिलेगा, बट ओवरऑल दोनों ही फोन्स बहुत ज़्यादा फ्लूइड है, कोई भी आपको इशू इन दोनों ही फोन्स में देखने को नहीं मिलेगा। ओवरऑल गेमिंग परफॉर्मेंस के लिए नोकिया 5.1 प्लस भी एक एक्सीलेंट डिवाइस है, आप इसको भी कंसिडर यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोनों ही फोन्स को मैं यहाँ पे टाई करना चाहूँगा, तो Helio P60 डेफिनेटली फास्टर चिपसेट है, बट यहाँ पे टाई हो जाता है। जनरल यूजेस में आप कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नोटिस नहीं करोगे। तो अगर हम बात करें यहाँ पे कैमरा की, तो दोनों ही फोन्स में आपको 13 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल के डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है LED फ्लैश के साथ, सिंगल LED फ्लैश आपको बैक में देखने को मिल जाएगी। बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो दोनों ही फोन्स में आपको 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिलता है, बट Asus ZenFone Max Pro M1 में आपको फ्रंट फेसिंग LED फ्लैश भी देखने को मिलती है। वहीं नोकिया की बात करें तो वहाँ पे आपको स्क्रीन फ्लैश का ऑप्शन दिया गया है। अब बात करें यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो नोकिया में यहाँ पर आपको मैक्स 1080p पे वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो, EIS का सपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। मैक्स प्रो की बात करें तो यहाँ पे आप 4K वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो 30fps में, यहाँ पर भी आपको EIS का अपडेट देखने को नहीं मिलता है, बट जल्दी इसमें EIS का अपडेट आने वाला है, एंड्रॉयड पाए का भी अपडेट आने वाला है, तो दोनों फोन्स के लिए एंड्रॉयड पाए का अपडेट कन्फर्म हो गया है, वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बता दूंगा। तो अभी यहाँ पर बात करें कैमरा क्वालिटी की, तो दोनों ही फोन्स के कैमरा यहाँ पे अच्छे हैं, बट बात करें फ्रंट फेसिंग कैमरे की, तो फ्रंट फेसिंग कैमरा में यहाँ पे नोकिया 5.1 प्लस का कैमरा मुझे ज़्यादा बेटर लगा है ओवरऑल। और बात करें रियर फेसिंग कैमरा की, तो दोनों ही फोन्स के कैमरा क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, बट Asus का मैक्स प्रो जो है वो कलर्स को यहाँ पर थोड़ा ओवर सैचुरेटेड कर देता है। वहीं नोकिया की बात करें तो यहाँ पे एक्चुअल कलर आपको देखने को मिलेंगे रियर कैमरा से। अब ये तो हो गई बात इनके कैमरा की, तो कैमरा वाइज दोनों ही फोन्स का कैमरा इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, बट काम आपका चल जाएगा इस प्राइस रेंज में। इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी स्मार्टफोन में इतना अच्छा कैमरा नहीं मिलता है, बट आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉफ्टवेयर की, तो दोनों ही फोन्स रन करते हैं स्टॉक एंड्रॉयड पे, एंड्रॉयड का ओरियो 8.1 दोनों ही फोन्स में आपको देखने को मिल जाएगा, बट जो डिफरेंस यहाँ पर मिलता है कि नोकिया का जो फ़ोन है उसमें आपको एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम के साथ देखने को मिलता है, मतलब आपको इसमें 2 ईयर के मेजर एंड्रॉयड अपडेट्स देखने को मिलेंगे और 3 साल तक आपको मंथली सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। तो रेगुलरली इसमें अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे और HMD ग्लोबल का जो अपडेट का जो स्टेटस है वो बहुत ही कमाल का है, उसमें टाइमली आपको अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पर ये नोकिया को एज मिल जाता है। बट मैक्स प्रो की बात करें तो यहाँ पे भी आपको स्टॉक एंड्रॉयड मिलता है और Asus ने कन्फर्म किया था इसमें आपको 2 मेजर अपडेट देखने को मिलेंगे और इसमें बाय मंथली सिक्योरिटी पैचेस आपको हर 2 महीने बाद इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आप अपडेट्स के लिए कोई फोन देखना चाहते हो तो डेफिनेटली नोकिया 5.1 प्लस यहां पे आगे जाने वाला है, आपके ज्यादा सिक्योर ऑप्शन यही आपको देखने को मिलेगा। मैक्स प्रो में भी अपडेट्स मिलेंगे बट थोड़ा सा यहां पर लेट हो जाएगा, तो यहां पर नोकिया विनर है। बात करें यहां पे एंड्रॉयड पाई अपडेट की, तो दोनों फोन्स के लिए एंड्रॉयड पाई अपडेट कंफर्म हो गया है, और बट नोकिया 5.1 प्लस को यहां पे बहुत जल्दी मिलने वाला है और Asus ZenFone Max Pro M1 को भी, M1 में आपको यहां पर EIS का अपडेट भी बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। बात करें यहां पे सेंसर्स की, तो दोनों फोन्स में सारे ही सेंसर्स आपको मिल जाएंगे, इंक्लूडिंग जायरोस्कोप सेंसर, तो सेंसर की कोई टेंशन आपको नहीं मिलेगी। बट बात करें फिंगरप्रिंट स्कैनर, जो कि दोनों ही फोन्स में आपको बैक में मिलता है, बट अपडेट्स के बाद भी यहां पर मैक्स प्रो का जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो स्टिल स्लो है अगर हम कंपेयर करते हैं नोकिया 5.1 प्लस से। नोकिया 5.1 प्लस में स्लाइटली फास्टर फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको देखने को मिल जाता है। तो ये हो गई बात फिंगरप्रिंट स्कैनर की, तो यहाँ पे नोकिया विनर है। अब बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक आपको मैक्स प्रो में देखने को मिलता है, बट नोकिया में आपको ट्रस्ट फेस का यहाँ पर फीचर मिलता है जो इतना अच्छा काम नहीं करता है कि जितना मैक्स प्रो में करेगा, क्योंकि वहाँ पर आपको डेडिकेटेड एक फेस अनलॉक का ऑप्शन दिया गया है सॉफ्टवेयर में, तो ये आपकी पर्सनल चॉइस हो सकती है। बट Asus का जो फेस अनलॉक है वो काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है, बट नॉर्मल एंड्रॉयड बेस्ड आपको मिलेगा यहाँ पर नोकिया में। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर कंप्लीटली स्टोरी चेंज है गाइज। मैक्स प्रो में आपको 5000
4 mAh की बैटरी दी गई है जो कि इजीली आपको 1.5 से 2 दिन का बैटरी बैकअप दे सकती है अगर आप एक कैजुअल यूजर हो। अगर आप हैवी यूजर भी हो तो 1 दिन तो यार बिल्कुल इसकी बैटरी चल जाएगी, 1 से 1.5 दिन। मुझे इनिशियली जब मैंने फोन परचेस किया था मुझे इसमें 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिलता था, बट अभी सॉफ्टवेयर बग्स की वजह से यहाँ पे इसकी बैटरी लाइफ डाउन हो गई है, बट इसको जल्दी से एसुस यहाँ पे फिक्स कर देगा। तो इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 8.5 से 9 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम इस फोन में इजीली आप मिल सकता है। वहीं बात करें नोकिया 5.1 प्लस की तो यहाँ पे आपको 3060 mAh की बैटरी दी गई है जो कि अगर आप कैजुअल यूज करते हो तो 1.5 दिन तक चल सकती है, बट हैवीली अगर आप यूज करते हो तो 1 दिन तो इसकी बैटरी इजीली चल सकती है। मुझे इस फोन में अभी 7.5 घंटे तक का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है, तो आप अपने स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन ऑन टाइम के चार्ट्स, तो इससे आपको आइडिया लग जाएगा। तो बैटरी लाइफ यहाँ पर 5.1 प्लस की भी अमेजिंग है, बट यार Asus Zenfone Max Pro M1 से यहाँ पे मुकाबला नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको 5000 mAh की बैटरी मिलती है और कोई भी बिल्कुल मुकाबला नहीं है। बट डेफिनेटली दोनों ही फोन्स में आपको अच्छी बैटरी लाइफ मिल जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको 1 दिन की बैटरी लाइफ में। तो दोनों ही फोन्स में दोनों ही फोन्स फास्ट चार्जिंग को यहाँ पर सपोर्ट नहीं करते हैं, 10 वॉट की स्टैंडर्ड चार्जिंग आपको दोनों ही फोन्स में देखने को मिलेगी, बट मैक्स प्रो में आपको माइक्रो USB का पोर्ट मिलता है नीचे, वहीं आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है अपने नोकिया 5.1 प्लस। तो ये भी एक कमाल की बात है कि नोकिया 5.1 प्लस में आपको टाइप सी पोर्ट मिलता है इस प्राइस रेंज में और माइक्रो USB स्टिल आपको मैक्स प्रो में मिलती है। तो गाइस बात कर लेते हैं यहाँ पे हेडफोन जैक के आउटपुट की, तो दोनों ही फोन्स में अच्छा आउटपुट आपको देखने को मिल जाएगा, डिसेंट आउटपुट मिल जाएगा 3.5 mm जैक का। बात करें यहाँ पे स्पीकर की तो मैक्स प्रो में आपको 5 magnet स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि रेगुलर फोन्स में आपको 2 magnet स्पीकर देखने को मिलता है। तो मैक्स प्रो का डेफिनेटली यहाँ पे बेस के मामले में और लाउडनेस के मामले में ज्यादा है, क्लियर मैं इतना नहीं कहूंगा क्योंकि नोकिया 5.1 प्लस का जो ऑडियो है वो ज्यादा क्लियर है मैक्स प्रो के कंपैरिजन में, बट डेफिनेटली लाउडनेस के मामले में और यहाँ पे बेस के मामले में मैक्स प्रो का स्पीकर बहुत ही कमाल का है, मुझे कोई भी इशू नहीं होता है और मैं 1 to 2 times इसकी जो वॉल्यूम है वो कम करके रखता हूँ, 100% वॉल्यूम में कभी भी इसको यूज नहीं करता हूँ, बहुत ही लाउड आपको देखने को मिलता है। वहीं बात करें 5.1 प्लस की तो यहाँ पर भी आपको कमाल का स्पीकर मिलता है, क्लियरिटी वाइज यार काफी अच्छा है, लाउडनेस में भी काफी अच्छा है, बट बेस यहाँ पे लैग करता है इसका, बट ओवरऑल बहुत ही कमाल का यहाँ पर स्पीकर आपको 5.1 प्लस में भी देखने को मिल जाता है। तो स्पीकर रिगार्डिंग आपको दोनों ही फोन्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करें यहाँ पे कॉल क्वालिटी और कॉल रिसेप्शन वगैरह की तो दोनों ही फोन्स में अच्छा खासा आपको एक्सपीरियंस मिल जाएगा ईयरपीस के थ्रू, स्पीकर में भी कॉल वॉल्यूम में कोई भी दिक्कत या इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा, दोनों ही फोन्स में कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पर एक कमाल की बात है कि मैक्स प्रो में आपको एक LED नोटिफिकेशन लाइट देखने को मिलती है जो कि सिंपली मिसिंग है अपने नोकिया 5.1 प्लस में। तो गाइज ये तो हो गया इन दोनों फोन्स का ओवरऑल कंपैरिजन। अगर अब मैं आपको समराइज करके बताऊं कि कौन सा फोन किसके लिए यहाँ पे बेटर होने वाला है, तो सबसे पहले यहाँ पे बात करते हैं नोकिया 5.1 प्लस की। अगर आपको एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला फोन चाहिए, एकदम ग्लास एकदम प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी वाला फोन आप चाहते हो, तो आपके लिए नोकिया 5.1 प्लस यहाँ पे बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ग्लास डिजाइन मिलता है, नॉच अगर आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको देख सकते हो और यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने को मिलता है, 5.8 inch की डिस्प्ले है तो इजीली हमारे हाथ में फिट हो जाता है, कोई इशू यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अगर आप एक कॉम्पैक्ट डिजाइन वाला वन हैंड के लिए फोन चूज करना चाहते हो तो डेफिनेटली एक बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है। कैमराज यहाँ पे काफी अच्छे हैं मैक्स प्रो के कंपैरिजन में, अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे फ्रंट कैमरा मैक्स प्रो के कंपैरिजन में मुझे बेटर लगा है इसका, और यहाँ पे एंड्रॉइड 1 का सपोर्ट मिलता है तो 3 साल तक आपको इसमें रेगुलर मंथली पैचेज आपको देखने को मिलेंगे सिक्योरिटी पैचेज, और यहाँ पर 2 major अपडेट्स आपको देखने को मिलेंगे 2 साल तक, और साउंड क्वालिटी बहुत ही कमाल की है, टाइप सी का पोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल नोकिया 5.1 प्लस एक आपके लिए कमाल का फोन है अगर आप चाहते हो ये सब क्वालिटी अपने फोन में। वहीं बात करें Asus के Zenfone Max Pro किन लोगों को लेना चाहिए, अगर आप एक ड्यूरेबल स्मार्टफोन देख रहे हो मेटल बॉडी के साथ, यानी कि आप फोन को कभी कभी गेर देते हो, तो यहाँ पे ज्यादा ड्यूरेबल तो अपना Asus का Zenfone Max Pro आपको मिलेगा क्योंकि यहाँ पर आपको मेटल बॉडी मिलती है, तो ग्लास के कंपैरिजन में डेफिनेटली मेटल यहाँ पे ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो अगर आप गेरते रहते हो फोन को तो Max Pro यहाँ पे बेटर ऑप्शन आपके लिए हो सकता है मेटल बॉडी के साथ। और यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले आपको मिलती है 6 inch की, 5.99 inches की 18:9 वाली डिस्प्ले है, डिस्प्ले क्वालिटी काफी कमाल की है, शार्प डिस्प्ले है, फुल HD रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है, डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट आपको देखने को मिलता है, डुअल सिम के साथ साथ डुअल 4G वोल्टेज आपको दोनों फोन से मिलता है, बड़ी बैटरी अगर आप चाहते हो 5000 mAh की, बहुत ज्यादा हैवीली आप यूज करते हो और एक गेमिंग के लिए कोई स्मार्टफोन देख रहे हो तो मैक्स प्रो काफी अच्छी चॉइस आपके लिए हो सकता है। स्टॉक एंड्रॉइड पे तो आता ही है, साथ में आपको इसमें एंड्रॉइड के अपडेट्स मिलेंगे, बट नोकिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे स्लो हो। तो गाइज अगर आपकी ये सब प्रायोरिटी है तो स्टिल आपके लिए मैक्स प्रो एक काफी अच्छी चॉइस है। कैमराज भी डिसेंट है, बट इतने ज्यादा कमाल के कैमराज आपको इस प्राइस रेंज में किसी भी स्मार्टफोन में देखने को नहीं मिलते हैं, और एक और कमाल की बात कि आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन LED भी देखने को मिल जाती है। तो गाइज यही था इन दोनों फोन्स का कंपैरिजन, मुझे बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपके स्टिल कोई क्वेश्चन है
इन दोनों फोन्स के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके क्वेश्चनों के आंसर जरूर से कर दूंगा। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइज, अभी मैं इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट और कैमरा कंपैरिजन भी लेके आने वाला हूं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।